अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज है जुम्मा और आई एम सॉरी, मैं जुम्मे के हिसाब से बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो आज है हमारी ख़त्म कुरान, तो मैं छोटा सा मिनी सा व्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। अच्छा जी, ये है मेरा ड्रेस, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए मुल्तान से। इसके साथ ये दुपट्टा नहीं है, ये स्टॉलर है, इसका दुपट्टा ब्लैक कलर का है, तो मैं रात को पहनूंगी, आगे वीडियो में पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल ये ड्रेस है, मैंने कहा चले आप लोगों को ड्रेस दिखाऊँ, आज ब्लॉग शेयर करेंगे आप के साथ, और जो जो हमारे साथ आज होता रहेगा वो आपके साथ सब शेयर करेंगे। ओके जी, मेरे ब्लॉग में पूरा रहेगा, मिनी ब्लॉग है लेकिन थोड़ा लंबा। सो जी गाइस, अब मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। ये मैंने बस थोड़ी सी ही चीज़ें आज फ्राई करूँगी, क्योंकि आज रात को है बिरयानी, तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोग सब खा लेंगे, फैमिली वाले इसमें भी हैं एक दो चीज़ें, ये फ्राई करूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड्स लेकर आए, ये तो एनवेलप्स लेकर आए देने के लिए। आपको मैं गिलास दिखाऊँ, कितने खूबसूरत गिलास लेकर आए मेरे हस्बैंड। ये रखा हुआ गिलास इसमें से निकाल रही थी, ये देखिए कितना बड़ा गिलास है, मेरे हाथ से भी इतना बड़ा फुल साइज ग्लास लाए, क्योंकि अब ख़त्म कराने ना पर ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे ग्लास टूट चुके थे सारे। एक ये लेकर आए और एक लेकर आए, ठीक है, प्राइस पूछ लेना, बता दूँगी, जुम्मा बाज़ार से लेकर आए हूँ। सही है जी, अभी मैं कर रही हूँ चीज़ें फ्राई करते हैं, अब इफ्तार करते हैं। इफ्तार पे आपको इफ्तार का दस्तरखान दिखाऊंगी थोड़ी सी चीज़ें। इफ्तार करते हैं, उसके बाद तरावी के लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। चलें जी गाइस, अब मैं पढ़ रही हूँ मगरिब की नमाज़, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरावियों में ले जाऊँगा। सो गाइस, अब मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये दुपट्टा आ गया था, अब इसका मैं रेडी हो गई हूँ। अब हमें जा रही हूँ ऊपर तरावियों का, तो मैं आपको जाके तरावियों का दिखाती हूँ। और मैं शिया नहीं हूँ, मैं फ़िके जाफरी से नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, बस मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। सो चलें जी, मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। और ये देखें, यहाँ पर भी बस ये आज और बिछी हैं। अच्छा, हमने ये स्पीकर रखा हुआ था जिससे हम लेडीज़ में आवाज़ आती थी, और ये मर्दों की जगह है, तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये जगह भी दिखा दूँ। और ये हमारी लेडीज़ की जगह है। सही है जी, बस ये आज आखिरी एक आज का दिन और है, फिर तो ख़त्म हमारी तरावियाँ। चलें जी गाइस, मैं अपनी जान नमाज पर बैठ गई, इस साल मैं नई जान नमाज नहीं ला पाई, क्योंकि मेरा जाना ही नहीं हुआ रमज़ान से पहले, बिज़ी इतनी रही, वरना मैं बोल्टन मार्केट जाके वहाँ से जान नमाज लेकर आती हूँ। चलिए जी यार, बस आखिरी तरावी है इस रमज़ान की, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ छोटा मोटा करके दिखाती रहूँगी। अच्छा भाई, ये हो रही है फ़र्ज़ नमाज, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ी, वो मैं पढ़ चुकी हूँ पहले, मैं तरावी जमात के साथ पढ़ती हूँ, बात मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी। इसे कोई ये नहीं कहना कि तुम क्यों बैठी हुई हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ रही, तो ये हो रही है फ़र्ज़ नमाज एक्चुअली। अभी तरावी स्टार्ट होगी, वो बिछी हुई मेरी जान नमाज। अब दुआ हो रही, जितने मुसलमान इस दुनिया से चले गए, सबको इशारे सौपते अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह उनके कबीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, या अल्लाह उनकी कबरों को ताहत निगाह वसी व फराग फरमा, कबर हशर वाला मामला उनके लिए आसान फरमा, या अल्लाह या अर्रहमीन बिलखुसूस इन सब चीज़ों का सवाब आमिर भाई के वालिदैन को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह या अर्रहमीन निशान भाई के साथ ससुर को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, अदनान भाई की सास को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह अमीन भाई के खानदान में से जितने लोग चले गए उनको इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, हाजरीन मजलिस के जितने भी अजीज और करबा रिश्तेदार खानदान में से जितने लोग चले गए या अल्लाह सबको इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह बिलखुसूस मैं अपने वालिदैन को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, इस तरीके पर कारी साहब के वालिदैन को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को इशारे सौपत अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, या अल्लाह उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, या अल्लाह उनकी कब्रों को ताहत निगाह वसी व फराग फरमा, या अल्लाह कब्र हशर वाला मामला उनके लिए आसान फरमा, या अल्लाह कब्र पर करोड़ हा रहमत नाज़िल फरमा, या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना, या अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा,
یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکات سے قرآن کریم کی برکات سے یا اللہ عامر بھائی، عدنان بھائی، ذیشان بھائی، عقیل بھائی، شمائل بھائی، یا اللہ ان کے بالخصوص قرآن کریم کے صدقہ سے وحید بھائی اور سعید بھائی سے مالامال فرما، یا اللہ ان کی جتنی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں ان کو شفا میں تبدیل فرما، شمائل بھائی کو بھی صحت والی زندگی سے مالامال فرما، یا اللہ ان کی جتنی جسمانی روحانی بیماری بن کر آئی ہے۔ السلام علیکم گائز، میں نے نا سب کے لیے دعا کر لی تھی، ہاں جی گائز، تو میں آپ کو بتا رہی تھی میں نے آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا کر دی تھی، جتنی دعا ریکارڈ کر سکتی تھی ریکارڈ کری ہے، باقی میں نے دعا کر لی تھی، باقی میں رونے میں اتنا لگی ہوئی تھی کہ بس میں نے کیمرہ آن کر کے چھوڑا ہوا تھا، مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی تھی اور آ رہی ہیں۔ چلے جی ابھی کھانا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو سب دکھاتی ہوں۔ ये हमारी यहाँ मिठाई आ गई है, मिठाई बटेगी, एक सेकंड एक डब्बा दिखाएंगे, बस ऐसी देख रही हूँ और जो दिखाना है इसमें मिठाई में क्या क्या है मैं आपको दिखा दूँ। सही है, ये मिठाई हमने करी है आज यहाँ पर, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ ना, ये मिठाई की है आज। नान में दिखाइएगा, ये कौन सी है, बीफ है, ये दिखाना खोल, ये चिकन है जी। चलिए जी खाना शुरू हो गया, मौलवी साहब लोग खाना खा रहे हैं अभी, यहाँ पे खाना अब औरतों में लगेगा, ये सही करो, इधर आओ, और हम प्लेटें वगैरह रखेंगे, औरतों में खाना लगेगा। सो गाइस ये देखें अभी यहाँ पे खाया जा रहा है खाना, और जो है ना मैं क्या अब एंड ये है कि सारे बर्तन आ गए नीचे और मेरी हेल्पर आई हुई है, अब वो सारे बर्तन धो रही है, सारा ऊपर से मिटवा दिया है, और अभी थोड़ी देर में ब्लॉग का एंड करूँगी, पूरा देखना है आप लोगों ने, पूरा पूरा पूरा। चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी थी और मिठाई थी, मिठाई मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, बिरयानी भी दिखा दी थी। और जी गाइस अब मेरा काम, मेरा किचन देखें माशाल्लाह से सबसे मड़ गया है, आसमान मेरी हेल्पर ने सब धो झाड़ के साफ़ सुथरा कर दिया, वरना ये हर साल का पता मेरा काम होता था, इस सबके बाद ये सारा फैला हुआ मैं समेटती थी, और अब मैं बना रही हूँ चाय, और बस चाय बनाएंगे क्योंकि अभी कुछ मेहमान घर पे बैठे हुए, मेरे अम्मी वाले बैठे हुए थे, तो बस चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे सब, और तरावी वालों को रोज़ पिलाती थी, आज मेरे अम्मी वाले पियेंगे चाय, और जी क्योंकि तरावी वाले हैं नहीं, जो हैं तरावी वाले वो पी लेंगे, तो चलो बस चाय पिए बनाएंगे और उसके बाद मैं व्लॉग को करूँगी एंड। सो गाइस अब ये चाय भी बन गई है और अब मैं बस ये चाय निकालूंगी इन कप्स में, आज भी मेरे नसीब में थी चाय बनाना, बस अब कल से इतनी इतनी चाय नहीं बनेगी, एक कप बनेगी बस मेरे हस्बैंड की। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करें मुझे, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। और हाँ मैंने जिस जिन्होंने दुआ के लिए बोला था, मैंने सबके लिए दुआ मांग ली थी, और बस मैं उस वक्त थोड़ा रो भी रही थी, तो जितनी भी मैं दुआ मांगती थी मैं सबके लिए मांगी, मैं वैसे भी रेगुलर दुआ मांगती हूँ, तो सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।